हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ रेहान भाई बात कर रहे हैं? रेहान भाई है ना जी? खैरियत है? पीछे टीवी चालू है क्या? आवाज आ रही है? आवाज बहुत आ रही है, समझ में नहीं आ रही है बात। नहीं नहीं दोस्त की आवाज है, ये आवाज आ रही है। हाँ अभी क्लियर आ रही है। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने कितने तावीज पहन के रखे? क्या कहा आपने? आपने कितने तावीज पहन के रखे हैं? हाँ आप कौन बात कर रहे हैं? नदीम खान बोल रहा हूँ। नदीम खान बोल रहे हैं? व्हाट्सएप न्यूज चैनल पास की दुनिया में तहलका से एंकर नदीम खान। अच्छा नहीं फेसबुक पे थे क्या आप जो ग्रुप में? हाँ जी। फेसबुक का नाम बोलिए आप। नदीम खान है ना? तो फेसबुक पे या ग्रुप में तो आपसे बात नहीं हुई मेरी। मेरा आपसे नहीं रहा, मेरे को पता चल जाता ना, मगर तमीमे पर और कब्र से मांगने पर गुफ्तगू चल रही है ना। जी। हाँ तो तावीज से चल रही थी। आप कितने तावीज पहनते हैं? तो एक भी नहीं है भाई मेरे गले में। तो फिर आप तावीज को जायज कैसे बोल रहे जब एक भी नहीं आपके गले में? तो नाजायज के लिए भी दलील होती है ना। हाँ तो आप नहीं पहन रहे हो, ये तो इस बात की दलील है ना, क्यों नाजायज है तभी तो नहीं पहन रहे हो। नहीं तो ना इस बात की दलील नहीं है, बचपन में पहनता था। पहनते थे ना, छोड़ दिया ना, तो ये भी इस बात की दलील हो गई कि नाजायज था तभी तो छोड़े। तो क्या समझ के छोड़े? नाजायज समझ के छोड़े ना। दलील मैंने तो इसको मतलब तो आपको इलम साहब आ गया है, मतलब तो आप मेरे दिल की बात भी बोल रहे हैं ना। नहीं मैं तो अमल की बात बोल रहा हूँ, दिल की बात तो है नहीं, तो अमल की बात बता रहा हूँ, आपके अमल पे हुक्म लगा रहा हूँ। तो मेरा अमल क्या है? मेरी नीयत के ऊपर डिपेंड है ना भाई। मैं तो जाहिर देखूंगा ना, आपकी नीयत थोड़ी देखूंगा, मैं तो जाहिर देखूंगा ना। तो आप पूछना चाहिए आप अमल को लेकर। तो मैंने पूछा कितने तावीज पहनते हैं अभी, अगर तावीज को जायज बोलते हैं तो फिर आप पूछना चाहिए था कि मैं जायज समझता हूं या नहीं। तो पूछ रहा हूं कि कितने तावीज पहनते हैं अगर जायज समझते हैं तो पहनना जरूरी है क्या उसके लिए? जायज होने के लिए पहनना जरूरी है क्या? फिर अच्छा जी, जायज होने के लिए पहनना जरूरी है तो फिर जायज कैसे हुआ उसके नजदीक? वो तो नाजायज कैसा हुआ वही दलील। अरे तो वो नहीं पहन रहा, नहीं अमल कर रहा है, यही तो नाजायज की दलील है उसकी। अच्छा जी तो मैं अच्छा लेकिन आपके अमल से ही, आपके अमल से ही देता हूँ भाई। आप दलील देने का तरीका सीखिए। मेरा तो सवाल है, मेरी दलील कहाँ है अभी? आप मुद्दा ही बन के सवाल कर रहे हैं या मुद्दा इलाही समझ के सवाल कर रहे हैं मुझसे? मैं साहिल बन के सवाल कर रहा हूँ। हुज्जत किसको है इससे? आपको या मेरे को है? आपको जवाब देना है ना, आप जवाब नहीं दे पा रहे ना भाई। सवाल जिस जो कर रहा है जवाब उसी के जिम्मे आएगा, जो नाजायज बोल रहा है दलील उसको देनी पड़ेगी। अरे भाई सवाल वाले के जिम्मे थोड़ी होता है, सवाल वाले के जिम्मे तो जवाब होता है कि सवाल किया तो आपको जवाब देना है। वैसा कैसा होता है भाई? इस बुक में लिखा हुआ है कि जो सवाल कर रहा है। बात बताइए, बचपन में आपने कहा कि आपने पहनते थे फिर छोड़ दिए है ना? आप बचपन में पहनते थे, क्यों छोड़ दिए? हाँ मतलब आपको जरूर कोई तकलीफ होगी जिसकी वजह से आपको पहनाया गया होगा, वो तकलीफ दूर हो गई होगी तो आपने छोड़ दी। रिसेंटली तक पहनता था मैं, रिसेंटली तक भी पहनता था, छोटे रूपों भी पहनता था। हाँ तो मतलब कोई तकलीफ होगी, सुनिए, कोई तकलीफ होगी आपको जिसकी वजह से आपको पहनाया गया था, जो तकलीफ दूर हो गई तो आपने छोड़ दी है ना, ये मतलब था ना? बुरे साफ चाहते थे मुझे, पहनता था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है मुझे। आप इस बात की दलील तो भाई ये तावीज थोड़ी हुआ, भाई ये तावीज थोड़ी हुआ, सुन लीजिए आप, ये इलाज हुआ। मतलब आप सुन लीजिए बड़े भाई, सुन लीजिए आप नाजायज बोल रहे हैं, नाजायज के लिए दलील क्या है? हाँ वो दूंगा ना, लेकिन आपके अमल से जो बात पता चली तो तावीज नहीं था वो, आप गलत बोल रहे कि मैं तावीज पहनता था, वो इलाज था, इलाज को तावीज नहीं बोलते। नाजायज समझ के अगर मैं छोड़ा तो जब आपकी दलील बनती है समझ रहे, तो मैंने आपको मेरी इल्मी, आपको मेरी इल्मी बात समझ में नहीं आई। आपके पास इल्मी सलाहियत नहीं है भाई, लेकिन मेरे अमल को लेकर क्या क्या? नहीं भाई प्रेजेंट नहीं पहन रहा ना। आप जब अमल कर रहे थे तावीज पहनने का तो आपने बताया आपको तकलीफ थी, ख्वाब देखने वाली, बुरे ख्वाब देखने की तकलीफ थी ना आपको भाई? बात सुनो, 5 टन की नमाज पढ़ते, अगर कोई 1 टन की भी छोड़ा तो उसको जाके बोलेंगे
क्या बोलेंगे, जाके बोलेंगे आप? हाँ छोड़ेगा तो बिल्कुल बोलेंगे उसको, वो कुफ्र कर रहा है। क्या बोलेंगे आप? वो कुफ्र कर रहा है, बोलेंगे उसको क्यों छोड़ दिया तूने? कुफर का कौन सा दर्जा है? अरे कुफर है वो। हाँ भाई कुफर का कौन सा दर्जा है आपको? अरे कुफर है, शिर्क है वो। अरे भाई शिर्क और कुफर में फर्क होता है बड़े भाई, आप कुफर का फतवा लगा रहे हैं तो वो तो ये नहीं बोला कि शिर्क अकबर है वो। अरे भाई वो बंदा ये नहीं बोला कि मैं पांच नमाजों को नहीं मानता हूँ, एक नमाज नहीं पढ़ा। छोड़ा तो उसने क्यों छोड़ा? इस पर तो ये मुकल्लिदीन के आईने में तो एक नमाज छोड़ने पर भी काफिर का फतवा लगा है। चलिए आप जवाब दीजिए। लेकिन चलिए खैर, आप तावीज पर से क्यों हटे आप? तावीज से मैंने कहा हटा? अच्छा मुझे बताइए, जब आपको तकलीफ थी आपको? अरे तो भाई सुन तो लीजिए, आपको आपने कहा आपको तकलीफ थी आपने पहना, तो वो तावीज थोड़ी था, वो तो इलाज था। तावीज किसको कहता आपको यही नहीं मालूम? अच्छा आप बोलिए, आप बोलिए, कैसे बोल रहे हैं? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मुसीबत आने से पहले जो पहना जाए वो तावीज होता है। अच्छा, क्योंकि उसमें तवक्कल होता है, भरोसा होता है, यकीन अच्छा होता है कि ये मुझे मुसीबत से बचाएगा जैसे अल्लाह ताला बचाता है, इसलिए उसको शिर्क कहा जाता है। और जो मुसीबत आने के बाद, तकलीफ आने के बाद, बीमारी आने के बाद किया जाता है वो इलाज होता है। आपको इतना भी नहीं मालूम? अभी जैसे को देखिए सुनिए, जैसे अभी आप डॉक्टर के पास चले जाए, आप डॉक्टर के पास चले जाए, अरे हम तो मसला के हक अहले सुन्ना अहले हदीस असली। अच्छी बात है, चलिए आपकी बात यह है कि चलिए कि पहले जो तकलीफ ना हो उससे पहले अगर कोई चीज अगर इस्तेमाल की जाए वो तावीज के। हाँ वही तावीज है। चलिए मुझे एक बोलिए, चलिए मैं एक चीज पूछता हूँ, इतने कसीर पढ़िए तारीख, इतने कसीर। हाँ पढ़िए। तो जिल नंबर 14 सफा नंबर 159 में आपके इब्ने तैमिया का जो अमल था, हाँ क्या था? जो उनके गले से जो पारे की तावीज निकली थी वो किस वजह से थी? वहाँ तो है, उनके सर में जुए थी। पहली बात तो रिवायत सही नहीं है, पहली बात तो आने के बाद सुनो, पहली बात तो रिवायत सही नहीं है, पहली बात तो रिवायत सही नहीं है, और दूसरी बात उसने वजाहत है कि जेल में उनके सर में जुए हो गई थी तो इसकी वजह से वो धागा डाला गया था, तो ये तो इलाज हुआ ना तावीज का। मुसीबत के लिए, अरे बीमारी के लिए आदमी बोतल लगाता है तो लटकाता है तो क्या तावीज बन जाती है वो? अभी हॉस्पिटल में जाओगे तुमको बोतल लटका दी जाएगी। क्या चीज रखे, क्या चीज रखे? आप बहस कर रहे हो, आप समझ गए कि आप तावीज नहीं पहन रहे हो? आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हो कि हर चीज लगी? अरे बीमारी आने के बाद कोई दम किया जाता है, कोई अमल किया जाता है तो वो इलाज होगा। अरे भैया नाजायज की दलील दीजिए ना भैया। क्या की नाजायज की? दे तो दिया तावीज, कुरान की तावीज, कुरान के। अरे दिया तो सही, हजरत आयशा, हजरत आयशा की बात जो नहीं मानेगा वो। हजरत आयशा क्या तारीफ कर रहे हैं कि मुसीबत आने से पहले जो लटकाया जाए वो तावीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया, जो चीज लटकाता उसको उसी के हवाले कर दिया जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, अरे इलाज और तावीज में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है अभी तक तुमको, इलाज और तावीज में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। तौबा तौबा तौबा, क्या जो हदीस पेश कर रहे हैं, चलिए तिर्मिज़ी की जो हदीस जो आप पेश कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लटकी हुई चीज को जो तमीमा के नाम से जो हदीस में है, तो तमीमा के मीनिंग मुझे ये बताइए कि वो कुरानी आयत की तारीफ थी। अरे कुरानी आयत हो या कोई भी आयत हो वो भी पहले ही बताओ कि लटकाया कब गया था वो। यार तुम तमीमा के मीनिंग बोलो, तुम तमीमा के मीनिंग। अरे भाई पहले ये बताओ कि वो लटकाया कब गया था, तकलीफ आने से पहले या बाद में, पहले वजाहत करो उसकी। तमीमा के मीनिंग क्या है? अरे जैसे एक बच्चा पैदा होता है, भाई बच्चा पैदा होता है और उसको तावीज पहना दिया जाता है ताकि उसको कोई बीमारी ना लगे, ताकि उसको कोई मुसीबत ना आए, ये सब अकीदे बना दिए जाते हैं, तो तब वो शिर्क हो जाता है। तुम बोलते जाओ भाई, जो तुम हदीस पेश करें। अरे आपको मैं समझा कोई इल्मी शख्सियत होंगे, आपको तो कुछ भी इल्म नहीं है यार। अच्छा चलो कब्र पे मांग, कब्र से मांग। अच्छा नहीं कब, चलो तावीज पे तो तुम्हारा तो तावीज पे बहुत कलील इल्म है, तुमको तारीफ भी नहीं मालूम तावीज की। अच्छा कब्र से मांगने, आप कब्र से मांगते हो क्या? कभी भी एक बात चीज बोल रहा हूँ तो उसको सुनिए आप, तमीमा के मीनिंग क्या है मुझे। अरे बस छोड़िए ना, आप ये बताओ कब्र से मांगते हो? अरे क्या ये इल्मी बात, अरे भाई इल्मी बात कर रहा हूँ जो। अरे कुछ इल्मी बात नहीं कर रहा भाई, तुम्हें कुछ आज आ नहीं रहे, तुम फालतू में बात कर रहे हो बस, कुछ आज आ नहीं रहे तुमको, समझ तारीफ नहीं समझिए तावीज की। अच्छा ये बताओ ना कब्र से मांगते हो क्या तुम?
तुम टॉपिक दूसरी टाइम चेंज कर रहे हो। नहीं दो ही टॉपिक थे ना, शुरू में बोला था ना तावीज और कब्र से मांगना बोला था। मुकम्मल हो गया तावीज पे, आपकी वजाहत आवाम सुन लेगी यूट्यूब पे। बात कर रहे हो आप, आपकी जाहिला में गुफ्तगू है अभी, आपकी गुफ्तगू आवाम सुन लेगी पूरी दुनिया में यूट्यूब पर। अभी आप बताओ कब्र से मांगते हो क्या आप? जरूर सुनेंगे, मैंने पूछा कि तमीमा के मीनिंग क्या है। हाँ तो कब्र वाले से पूछो ना जिनसे मांगते हो। अरे जिनसे कब्र से मांगते हो तो उनसे पूछो ना, जो कब्र से मांगते हो तुम, वो बता देंगे ना तुमको मीनिंग में क्या लिखा हुआ है आपके। अरे कब्र वाले नहीं बताते क्या मीनिंग? अरे फिर कब्र वाले, अरे सुन लो तो लो यार, इतने कयूम कौन है? अरे तुम कब्र से मांगते हो तो कब्र वाले तुमको मीनिंग नहीं बताते? इब्ने कय्यूम कौन है आपके? अरे इब्ने कय्यूम, इब्ने कय्यूम की कब्र से मांगते हो क्या तुम? अरे वही उनकी किताब का हवाला दे रहा हूँ मैं आपके। अरे किताब का हवाला क्या दे रहे हो? जब आप कब्र से मांगने में यकीन रखते हो और आपको मिल जाता है तो फिर किताब का ही पढ़ लो, कब्र वाले से पूछ लो ना कि तमीमा का मीनिंग क्या है। उनकी तो पढ़ लो, अरे ये कौन सी बात हुई? अपने बड़ों की तो सुन लो, अपने घर की दलील तो सुन लो। अरे वो तो हम सुन लेंगे ना, मेरे सवाल का जवाब तो दो। किताब रूह में जाके देखे, किताब रूह में जाके देखे, इब्ने कय्यूम की जाके देखे, इब्ने कय्यूम। इब्ने कय्यूम के मुकल्लिद हैं आप? इब्ने कय्यूम के मुकल्लिद हैं आप? वही आप? नहीं नहीं, आप तो इब्ने कय्यूम के होंगे तो वहले हदीस हो। हम तो अहले हदीस हैं और हम अकीदे में तकलीद नहीं करते। बरेलवियों के भी उसूल है, जो अकीदे में तकलीद करता है वो काफिर है। अहले हदीस नहीं है भैया, अहले हदीस है। अरे अहले हदीस का भी उसूल हो गया और बरेलवियों का भी उसूल है कि अकीदे में जो तकलीद करता है वो काफिर है। अब तुम अकीदे में इनकी तकलीद करो, इब्ने कय्यूम की, इब्ने कसीर की, तो ये अकीदे का मसला नहीं है? कब्र से मांगना ये तावीज लटकाना अकीदे का मसला नहीं है? तो मैं तुम्हारे को क्या कर रहा हूँ? तो बिना दलील वाली बात किसी इमाम की तुम पेश करोगे तो तकलीद हो जाएगी ना। तो दलील कहाँ से मैं फिर आपको दे रहा हूँ ना कि इब्ने कय्यूम की जाके देखिए किताबों में। इब्ने कय्यूम क्या है? कुरान है, हदीस है, क्या है भाई? क्या है वो? कुरान है, हदीस है, क्या है? देखो तुम कुफ्र मत पढ़ो यार, अभी तावीज में तुम कुफ्र कर रहे थे, अभी कब्र से मांगने में कुफ्र कर रहे थे। अरे भाई तावीज का मक्के के बारे में बोल रहा हूँ, फतावा अहले हदीस किसका है? हाँ हमारा है। किसने लिखा हो? हाँ तो बोलो ना, ये तो सवाल पहलियां क्यों बजाते हो भाई? आप लोगों को इल्म को जो देर पहले बजाना शुरू कर देते हो, इल्म खत्म हो गया आपका। चलो फतावा अहले हदीस तुमने पढ़े, बताओ क्या लिखा? चलो बताओ अहले हदीस में क्या है? फतावा अहले हदीस में लिखा हुआ है कि कुरान की तावीज जो है आयत लेकर गले में डालना। हाँ वो तो इलाज हो गया ना, वो तावीज थोड़ी है, इलाज हो गया वो, उसको तावीज बोला जाएगा। जैसे असली नोट नकली नोट होता है, लेकिन नकली भी नोट ही बोला जाएगा, हकीकत में नोट नहीं होता। तुम्हें समझ में नहीं रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तारीफ कर रहे हैं तावीज की और आइमा जो कर रहे हैं उसमें फर्क है? तुम एक ही चीज को पकड़ के दोनों की तारीफ एक पे चिपका दे रहे यार। अब असली नोट और नकली नोट का काम है भाई? सुनो भाई, नकली असली नोट और नकली नोट, तो नकली को भी नोट कहते हैं, लेकिन वो क्या नोट होता है? आपको इतनी आसान सी मिसाल समझ में नहीं आ रही है। असली नोट और नकली नोट तो दोनों को नोट कहते हैं, लेकिन नकली का नोट होता है? नहीं होता। तो जो इलाज के लिए अमल किया जाता है उसे जाहिरी लफ्जों में तावीज कहते हैं, लेकिन ये वो तावीज नहीं होता जो शिर्क और कुफ्र है। तो क्या रहता है वो तावीज? तावीज में इलाज या बोलते रहो, समझ में ही नहीं आ रही अल्लाह के बंदों को यार। अरे अल्लाह के कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, सहाबा इकराम अपने बच्चों को गले में तख्तियां लटकाते थे ताकि वो दुआएं याद करे, दूसरे उनको देखकर दुआएं याद कर ले। तो ये एक अमल है इल्म हासिल करने का, जैसे हम टी शर्ट पे कोई नाम लिख लेते हैं, आयत लिख लेते हैं, कोई हवाला लिख लेते हैं टी शर्ट पर पेन के, लोग उसको पढ़ते हैं, अच्छा सेंटेंस पढ़ते हैं, तो क्या वो तावीज हो गया? कोई बोलेगा तावीज अब पागल है साला? अच्छा टी शर्ट पे अच्छा स्लोगन लिखा रहता है कि नहीं भाई पढ़ने के लिए? किसी का स्लोगन आता है? कोई भी, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो सहाबा इकराम अपने बच्चे के गले में तख्तियां लटकाते थे, दुआएं आयतें, ताकि एक दूसरे को याद करे, वो भी याद रखे, दूसरे भी देखें। तो इसको तावीज बना देना, वो तावीज बना देना कि वो मेरे को बीमारियों से बचाएगा, नाउज़ु बिल्लाह। अरे क्या मजाक कराएगा पढ़ के तुमने यार इस्लाम के साथ? वाला बदतरीन है। सुनिए, आप जो हदीस पेश करके जो सहाबा लटकाते थे, इसकी शरह पेश कर सकते हैं आप? इसलिए लटकाते थे? अरे आए तो तालीमन, अकीदत ना तालीमन का फर्क नहीं मालूम आपको? किस चीज में? अकीदत ना तालीमन का फर्क समझता है? अरे बड़े भाई आपने जो हदीस, अरे कुरान का एक लफ्ज पढ़ने पर बिना समझे 10 नेकी मिलती है कि नहीं? आपका सुनो ना, बताओ ना, बताओ ना भाई, बताओ ना, डरो मत, डरो मत। कुरान का एक हर्फ आप पढ़ोगे बिना समझे तो आपको 10 नेकी मिलेगी कि नहीं? खुलासा आपने जो हदीस का, मेरे सवाल का जवाब दो ना भाई, मैं अकीदत ना तालीमन आपको समझाता हूँ ना।
अरे भाई तुम आपने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, सुने ना, आपने सुने ना, आपने सुनो ना, कुरान का एक हर्फ पढ़ा डाल पे वेट करेंगे, सुने ना, कुरान का एक हर्फ डाल पे वेट करेंगे, सुने ना, कुरान का डाल पे वेट किए, घबराइए मत ना, मतलब आपका अकीदा तो ना तालिबान में हवा खुल गई तो आप भागने लग गए। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, खुलासा नहीं है, आप जो खुलासा पेश करे हदीस पेश करे, अरे अकीदा तो तालीज में अकीदा दाखिल होता है, आपको ये भी नहीं मालूम, तालीमान और इलाज नहीं दाखिल होता उसमें, शराब पेश कर सकते हैं सभी, अरे यार अभी शराब पेश कर रहा था तो बोले शराब पेश कर सकते हैं, आपको अकीदा तो तालीमान कुछ मालूम नहीं, आपको बस आज चलो बोल रहे थे बहुत दिल वाली शख्सियत है लेकिन उनको तो एबीसीडी उसूल तारीफ कुछ भी नहीं मालूम यार। अस्सलाम वालेकुम यार, तुम्हारे को तो तुम्हारे खुद